हेलो गाइस, वेलकम टू सुषमा रियल लाइफ ब्लॉग। गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए, सर्दी से बच के रहिए। आजकल ठंड तो हो गई अच्छी खासी। तो गाइस, मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे प्लांट्स कैसे चल रहे हैं। सर्दियों में कौन कौन से प्लांट मेरे डोरमेंसी में जा रहे हैं। डोरमेंसी में जाना मतलब वो आराम करने की स्थिति में है। तो आपको मैं दिखाऊंगी ये चीज़, और ये भी बताऊंगी कि मेरे किन प्लांट्स का फ्लावर आ रहे हैं और उनमें मैं क्या डालती हूँ, वो भी बिना पैसे वाला। तो चलिए चलते हैं, अपने प्लांट्स को दिखाती हूँ कि मेरे कौन कौन से प्लांट्स डोरमेंसी में चले गए हैं। और अगर आपके भी ऐसा हो रहा है कि पत्ते गिर रहे हैं, या फिर पत्ते थोड़ा छोटा हो रहे हैं, या फिर सिकुड़ रहे हैं, तो वो अपना आराम करने के बाद फिर वो पत्ते दोबारा से आएंगे। अचंभित करने वाली चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने प्लांट्स को बताने और दिखाने। तो गैस, ये है मेरा गुड़हल, जिस पर कि अच्छे से फूल आ रहा है गमले में ही, और गुलाब पर गुलाब आ रहा है, वो भी 8-10 फूल आ जाते हैं इस पर, और फर्टिलाइजर बिना पैसे का। तो देखिए फ्लावर लग रहा है ना सुंदर, गुलाब कितना सुंदर है। गैस ये है सर्दियों वाला फ्लावर, बट मेरे यहाँ अभी ने तक खिल रहा है ये। और येलो गैस अब लगाया वो था दिखाऊंगी जो मैं और अजूबा बोल रही थी, आया ये रेड, देख रहे हैं वो आप भी येलो येलो कलर का शेड फ्लावर, ये लगाया था मैंने येलो, चमड़े वाली लेकिन वाली इस येलो फ्लावर लिया, देखिए आ रहा येलो है लगाया था शेडेड और पिंक, आया रेड, वो भी येलो और माउस पिंक, शेड। ये बहुत बड़ा अजूबा लगता है देखिए मुझे। ये इससे तो देखिए मेरा शेड कितना स्पेशल है सुंदर है फिर। ईश्वर का दिया हुआ, कभी शेडेड आता है कभी पिंक आता है, ये तो मेरे दिल को खुश कर देता है। अब वो प्लांट जो हाँ गाइस, डोरबंसी में चले गए, आजकल सर्दियों में बहुत सारे प्लांट जो है डोरमेंसी में जाते हैं, क्योंकि उनको भी आराम करने की ज़रूरत होती है। तो आप घबराइएगा मत कि प्लांट ख़राब हो जाएगा, वो अपने टाइम पे दोबारा से आने लगेगा अच्छे से। लीव्स ख़राब हो जाते हैं, या तो लीव्स झड़ जाती हैं, या फिर थोड़ा सूख जाती हैं, तो बाद में वो खुद से अपने टाइम पे आने के बाद वो लीव्स ठीक हो जाती हैं, आने लगती हैं, नई लीव आ जाएंगी और प्लांट ठीक हो जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अब तो ये गया मेरा प्लांट। ये देखिए इसका भी कलर लाइट हो गया है और अपने टाइम आने के बाद ये ठीक हो जाएगा। ये भी प्लांट देखिए, ये मेरा कितना घना प्लांट था, डोरमेंसी के बाद ये स्वस्थ हो जाएगा, इसमें लीव्स दोबारा से आ जाएंगे। तो ये प्लांट हैं डोरमेंसी में जाने वाले, इसलिए घबराइए गैस मत। ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन देखभाल नहीं कर ये पा रही है हूँ मेरे आजकल। नारियल, मैंने नारियल को थोड़ा सा पेंट कर दिया है, थोड़ा ख़राब से होने लगे हैं, दोबारा से इनको किसी दिन मौका मिलते ही ठीक करती हूँ। ये मैंने DIY बनाया था इसको, एक प्लांट को रखने के लिए। तो गाइज मैंने बताया आज आपको डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट्स के बारे में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो करती हूँ बंद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर अभी तक नहीं किया है तो आपको आगे के लिए ये वीडियो मेरी देखने को मिल सकती हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ तो फ्रेंड्स, हो सकता है उनके भी कुछ काम की चलते हो। हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।